ये था ब्रेक, अब देखते हैं कंटिन्यू। आप कंटिन्यू वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन से नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करनी है। क्या ये स्टार्ट करनी है? नेक्स्ट आइट्रेशन। तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल वापस से नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव कर जाएगा, और जो आपका लूप है कंट्रोल आपके लूप से तभी बाहर आएगा जब आपकी बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होगी। कंटिन्यू सिर्फ नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करने का काम आता है। क्लियर है? अब देखते हैं कंटिन्यू का सिंटैक्स, उसके बाद इसकी वर्किंग। तो ब्रेक की तरह कंटिन्यू को आप लूप के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा अपने प्रोग्राम में व्हाइल बूलियन एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड। व्हाइल लूप के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगी आपकी, बहुत सारी। मैंने यहां लिख दिया कंटिन्यू स्मॉल में सारा, लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। तो जैसा कि ब्रेक में एरर आ गई थी अनरीचेबल स्टेटमेंट, सिमिलरली यहां भी एरर आ जाएगी अनरीचेबल स्टेटमेंट अगर आप कंटिन्यू को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं लिखते। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू भी ब्रेक की तरह किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ना आए, विदाउट कंडीशन आप लिखना चाहते हो, तो आप कंटिन्यू को लास्ट में लिख देना, अदरवाइज आपको इसे किसी कंडीशन में लिखना पड़ेगा, इफ बूलियन एक्सप्रेशन। क्लियर है? ये था इसका सिंटैक्स, अब देखते हैं इसकी वर्किंग। मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा इंट आई इक्वल टू वन, इसके बाद व्हाइल आई इज लेस देन फाइव कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो और इसके बाद स्लैश एन, ठीक है। इसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। इसके बाद इफ आई इज लेस देन थ्री, आई इज लेस देन थ्री कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद प्रिंट एफ हाय स्लैश एन, ठीक है। और व्हाइल लूप के बाहर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ गुड। क्लियर है? अब देखते हैं इसका फ्लो। तो सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ होगा? इस स्टेटमेंट से स्टैक मेमोरी में एक स्पेस बन गया होगा आई नाम का, जिसके अंदर क्या पड़ा होगा? वन। क्लियर है? उसके बाद कंट्रोल आया व्हाइल के पास, व्हाइल में बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, आई लेस देन फाइव, वन इज लेस देन फाइव, क्या रिजल्ट आया? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल कहां आया? कंट्रोल आया व्हाइल के अंदर, और इसके अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी। इससे क्या होगा? इससे आपकी स्क्रीन में, मैं मान लेता हूं ये आपकी स्क्रीन है, इससे आपकी स्क्रीन में हेलो प्रिंट हो जाएगा और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई में क्या बड़ा हुआ है? वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू, और टू आई में असाइन हो जाएगा। अब आई में टू पड़ा हुआ है। क्लियर है? इसके बाद इफ, इफ में कंट्रोल आया
बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, आई लेस देन थ्री, आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में टू पड़ा हुआ है, टू इज लेस देन थ्री, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो कंट्रोल कहां आया, कंट्रोल आया इफ के अंदर, और इफ के अंदर कंट्रोल आते ही आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके नीचे की सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, इसके नीचे की सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी, और कंट्रोल वापस से नेक्स्ट आइटरेशन की तरह मूव कर जाएगा, मींस अब कंडीशन के पास मूव कर जाएगा आपका कंट्रोल। क्लियर है? इसके बाद वापस से बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, आई लेस देन फाइव, आई में क्या बड़ा हुआ है, टू, टू इज लेस देन फाइव, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो कंट्रोल आया वापस से यहां पे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, हेलो प्रिंट हो गया और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया। क्लियर है? उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, आई प्लस वन, आई में क्या पड़ा हुआ है, टू, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, आई में अब थ्री आ गया, आई में क्या आ गया, अब थ्री आ गया। ठीक है? उसके बाद कंट्रोल यहां आया इफ के पास, बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, आई इज लेस देन थ्री, मींस थ्री इज लेस देन थ्री, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो फॉल्स आते ही कंट्रोल यहां पे, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, आपका स्क्रीन में हाई प्रिंट हो गया और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। क्लियर है? इसके बाद वापस से बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, कंट्रोल यहां पे आया, आई इज लेस देन फाइव, थ्री इज लेस देन फाइव, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अब कंट्रोल कहां आया, अब कंट्रोल वापस से व्हाइल के अंदर आया, आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, आपका स्क्रीन में प्रिंट हुआ हेलो और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया, I इक्वल टू आई प्लस वन, आई में क्या पड़ा हुआ है, I में थ्री पड़ा हुआ है, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर, अब I में फोर आ गया, क्या आ गया, I में अब फोर आ गया। क्लियर है? वापस से कंट्रोल इफ के पास आया, बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, I इज लेस देन थ्री, मींस फोर इज लेस देन थ्री, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो कंट्रोल वापस से यहां पे आया, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो गया हाय और कंट्रोल मूव कर गया नेक्स्ट लाइन में। क्लियर है? अब वापस से कंट्रोल आया यहां पे बुलियन एक्सप्रेशन के पास, बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, आई लेस देन फाइव, फोर इज लेस देन फाइव, क्या रिजल्ट आया इसका, इसका रिजल्ट आया ट्रू। तो कंट्रोल वापस से यहां पे आया, प्रिंट एफ हेलो प्रिंट हुआ आपका, और कंट्रोल प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में फोर पड़ा हुआ है, फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव, और फाइव आई में असाइन हो गया, अब आई में फाइव पड़ा हुआ है। ठीक है? इसके बाद वापस से इफ के पास बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, फाइव इज लेस देन थ्री, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। कंट्रोल यहां पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट एफ हाई, तो हाई प्रिंट हो गया और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। क्लियर है? अब वापस से कंट्रोल आया यहां पे, बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, आई इज लेस देन फाइव, मींस आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में फाइव पड़ा हुआ है, फाइव इज लेस देन फाइव, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो फॉल्स आते ही आपका कंट्रोल वाइल से बाहर, कंट्रोल यहां आ जाएगा और इस वाइल के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ गुड। तो इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन में गुड प्रिंट हो जाएगा। तो आपका फाइनल आउटपुट क्या आया, आपका फाइनल आउटपुट आया हेलो हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय, गुड। क्लियर है?